रचना निर्मेय 9। एक त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज एवं आयत की रचना करना। उदाहरण 9। एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए, जिसमें एबी बराबर 9 सेंटीमीटर, एसी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा कोण सीएबी बराबर 60 अंश हो। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए। बच्चों, आज हम एक त्रिभुज की रचना करेंगे और जो उसका क्षेत्रफल होगा उसके बराबर क्षेत्रफल वाले एक चतुर्भुज की रचना भी हम करेंगे। हमारे सामने एक त्रिभुज एबीसी है, जिसकी भुजा एबी की माप 9 सेंटीमीटर है, भुजा एसी की माप 5 सेंटीमीटर है और एसी और एबी के बीच बनने वाला कोण 60 अंश का है। इन तीनों मापों की मदद से हम एक विशिष्ट त्रिभुज की रचना कर पाते हैं। तो पहले हम इसे एक त्रिभुज की रचना करेंगे और फिर इसके बराबर क्षेत्रफल वाले एक समानांतर चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम भुजा एबी की रचना करते हैं, जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। ये हमने इसके लिए यहाँ रखा और 9 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा। इसे हम नाम भी दे दें, ए बी। इसकी माप 9 सेंटीमीटर है, इसे थोड़ा नीचे लिखते हैं। अब हमें बिंदु ए पर 60 अंश का कोण बनाना है। चांदे को हमने इस तरह से रखा कि उसका 0-0 मिलाने वाला रेखाखंड ए बी पर हो और मध्य बिंदु ए पर हो, और यहाँ से हमने गिनना शुरू किया 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। ये हमने निशान लगाया और इसे ए से मिलाते हुए हमने एक किरण खींच दी। ऐसे आप नाम दे सकते हैं किरण ए वाई। इस माप को यहाँ लिख दें हम, ये 60 अंश का कोण है। अब हमें यहाँ पर एसी की रचना करनी है, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसके लिए हम फिर से प्रकार की मदद लेंगे। प्रकार को हम इतना फैलाएं कि ये 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाए और इस लंबाई को हम यहाँ प्रदर्शित करें। इसके लिए प्रकार की नोक को हम ए पर रखते हैं और एक चाप काटते हैं किरण ए वाई पर। चूंकि ये 5 सेंटीमीटर का फैलाव था, इसलिए ये जो लंबाई हमें मिल रही है वो 5 सेंटीमीटर की होगी। इस बिंदु को हम नाम दें, जैसा कि हमने यहाँ रखा है, ये बिंदु सी होगा और एसी की लंबाई 5 सेंटीमीटर यहाँ प्रदर्शित कर दें। आप देख रहे हैं ये तीनों माप जो हमें दी गई थी उसे हमने यहाँ बना लिया है। अब सी को बी से मिला दें, ये हमने स्केल रखा सावधानी से और बिंदु सी और बी को मिलाते हुए एक रेखाखंड की रचना कर दी। तो इस तरह से हमारा त्रिभुज ए बी सी निर्मित हुआ। इसका एक अपना निश्चित क्षेत्रफल होगा। अब हमें इस त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाले एक समानांतर चतुर्भुज की रचना करनी है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समानांतर चतुर्भुज बनाना है तो उसमें दो जोड़े होंगे समांतर भुजाओं के, तो हम उन समांतर भुजाओं की रचना करेंगे। तो पहले हम ए बी के समानांतर एक रेखा खींचेंगे जो सी से होकर गुजरेगी। इसके लिए हम इस गुण का उपयोग करेंगे। यहाँ भी हम 60 अंश का कोण बनाएं और 60 अंश का कोण जहाँ बनता है वहाँ से हम एक रेखाखंड खींचेंगे जो ए बी के समानांतर होगा। इसे देखिए कैसे करते हैं। हम चांदे की मदद लेंगे और चांदे की मदद से सी पर 60 अंश का कोण बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर चांदे को रखना है बहुत ध्यान से। 60 अंश का कोण ए सी पर बन रहा है, तो हम चांदे को इस तरह रखें
कि इसके शून्य शून्य लाइन एसी पर हो और जहां पर हमें कोण बनाना है वो बिंदु सी है, तो चांदे के मध्य बिंदु को हम यहाँ रखें और ये कोण यहाँ बनना है। हम यहाँ से पढ़ना शुरू करें शून्य से लेकर आगे बढ़ते हुए 60 तक, यह एक निशान लगाएं और इसे सी से मिला दें। इसे हम आगे बढ़ा दें और आप चाहें तो इसे नाम दे सकते हैं किरण सी एक्स। ये जो सी एक्स है वो ए बी के समानांतर है, इसे आप चाहें तो लिख लें सी एक्स समानांतर ए बी। अब एक और समानांतर रेखा हमें खींचनी है जो ए सी के समानांतर होगी, लेकिन सवाल है कि हम इस समानांतर रेखा को खींचे कहाँ पर। इसके लिए हम ए बी का मध्य बिंदु लेते हैं, इसका लंबार्ध खींचने की हमें आवश्यकता होगी। हम प्रकार के नोक को इतना फैलाएं कि वो ए बी के आधे से थोड़ा अधिक हो और ए बी के दोनों तरफ चाप काट लें, और यही काम हम प्रकार के नोक को ए पर रखकर भी करें और दो ऐसे चाप खींचें जो पहले वाले चापों को कहीं ना कहीं काटते हों। इन कटन बिंदुओं को आप चाहें तो नाम दे सकते हैं पी और क्यू। अब आप पी की को मिलाएं इसे आप कटी हुई रेखा से मिला सकते हैं। ये रेखा पी क्यू ए बी को जहाँ काटती है उसे भी हम नाम दें। मान लीजिए बिंदु ओ है, ओ ए बी का मध्य बिंदु है। अब फिर से एक बार इस बिंदु ओ से हम ए सी के समानांतर रेखा खींचेंगे, और समानांतर रेखा खींचने के लिए जैसा आपको पहले आपने किया था कोण का हम उपयोग करते हैं। यहाँ 60 अंश का कोण बना हुआ है, यदि यहाँ भी हम 60 अंश का कोण बनाएं तो जो हमें रेखा मिलेगी वो ए सी के समानांतर होगी। तो चांदे को हम फिर से यहाँ रखें और इस तरफ 60 अंश का कोण बनाना है। इस पैमाने का उपयोग करें, 60 तक जाएं, यहाँ निशान लगाएं और स्केल की मदद से इसे मिला दें। ये हमने 60 अंश का कोण यहाँ बनाया, इसे अंकित करें यहाँ। इसे तो आपने नाम ओ दिया हुआ है, इसे भी आप एक नाम दे दें। मान लीजिए इसे हम डी कह रहे हैं। इस बिंदु को आप देख रहे हैं आपके सामने एक चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज बना हुआ है ए ओ डी सी। रचना करने के बाद आप ये कह सकते हैं कि ए ओ डी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर है, लेकिन आप सवाल भी कर सकते हैं अपने आप से क्या ये कहना सही है कि इस समानांतर चतुर्भुज ए ओ डी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर है। आइए देखते हैं ऐसा है कि नहीं। ये एक कटन बिंदु है, इसे आप एक नाम और देते हैं, मान लीजिए इसको हम आर कहते हैं। तो आप दो त्रिभुज देख सकते हैं, त्रिभुज डी आर सी, डी आर सी ये त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है ओ आर बी। इन दोनों त्रिभुजों में आप देखें कि ये रेखा एक समानांतर रेखा है और ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं। यदि आप सी डी को और ए बी को एक समानांतर रेखा देखें तो ये आपको एक तिर्यक रेखा के रूप में दिखाई पड़ेगी। तो इस तिर्यक रेखा के द्वारा ये कोण जो बन रहा है और ये कोण, दोनों एकांतर कोण होंगे और बराबर होंगे। उसी तरह से समानांतर रेखा सी एक्स और ए बी को अगर इस सी बी तिर्यक रेखा से काटते हुए देखें तो यहाँ जो कोण बन रहा है वो इस कोण के एकांतर कोण के रूप में होगा और ये बराबर होगा। तीसरा कोण आप देखिए, ये दोनों कोण, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं और बराबर होंगे।
अब आप देख रहे हैं कि इस ऊपर वाले त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः नीचे वाले त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है। ये त्रिभुज समरूप होंगे, लेकिन सर्वांग सम है कि नहीं इसके लिए एक शर्त हमें और जोड़नी पड़ेगी। क्या इनकी भुजाओं को कोई एक जोड़ा आपस में बराबर है? आप देखिए सी डी और ए ओ ये समानांतर चतुर्भुज ए ओ डी सी के समानांतर और आमने सामने वाली भुजाएं हैं। तो आपको मालूम है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो आप कह सकते हैं कि सी डी ए ओ के बराबर है। और चूंकि ओ ए बी का मध्य बिंदु है इसलिए ओ बी ए ओ के बराबर है। तो आप ये देख रहे हैं कि ओ बी ए ओ के बराबर है और ए ओ सी डी के बराबर है, इसलिए आप कह सकते हैं कि सी डी और ओ बी दोनों आपस में बराबर हैं। अब आप देख रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों में ये भुजा सी डी ओ बी के बराबर है और इसके तीनों कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है। त्रिभुज सर्वांग सम होंगे और इसलिए क्षेत्रफल में बराबर भी होंगे। तो त्रिभुज आर ओ बी और त्रिभुज आर डी सी क्षेत्रफल में बराबर हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का ये हिस्सा समानांतर त्रिभुज सी आर डी के इस हिस्से के बराबर है। तो चतुर्भुज ए बी ए ओ डी सी जो बना वो त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर है। और हमें इसी प्रकार के समांतर चतुर्भुज की रचना करनी थी और ये आपकी रचना पूरी होती है। इसे एक बार फिर से आप खुद बना के देखें और मुझे यकीन है कि आप इसे बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो प्लीज़ एक बार कोशिश कीजिए।